गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब का बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में हम लोग प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी सीख रहे हैं। ये वीडियो पूरी तरह से स्टैटिक्स होगा, स्टैटिक्स हिस्ट्री से पूरा का पूरा प्रश्न बनाया जा रहा है। आप पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन जो होगा थोड़ा लेवल वन का होगा, तो कोशिश कीजिएगा सुनने का, ध्यानपूर्वक प्रश्नों को समझने का, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। बने रहिए इस चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए। देखिए क्या कहा गया है कि तजुर्बे ने शेर को खामोश रहना सिखाया है। तजुर्बे ने शेर को खामोश रहना सिखाया है क्योंकि दहाड़ का शिकार नहीं किया सकता। ये आपके लिए भी बताया जा रहा है। शांतिपूर्वक खामोशी से अपना अध्ययन कीजिए, मन लगाइए, प्रेम जगाइए उस पर, बस अपने आप का शिकार हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है हिस्ट्री का औरंगजेब के कहानी से। चलिए बात करते हैं, व्हाट वेयर द कॉज फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर आफ्टर औरंगजेब डेथ। औरंगजेब के मृत्यु के बाद ऐसा क्या हुआ कि आखिर मुगल साम्राज्य लड़खड़ा गया पूरा। पहला रीजन दिया है वीक सक्सेसर ऑफ औरंगजेब, डीजनरेशन ऑफ मुगल नोबिलिटी। तीसरा है डिफेक्टिव लॉ ऑफ सक्सेशन, मतलब उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम ना होना। तो जी हाँ, पहला तो एक तो एक और तीन डेफिनेटली सही है। दूसरा स्टेटमेंट की डी जनरेशन ऑफ मुगल नोबिलिटी, जो मुगल नोबिलिटी थी वो उसका भी पतन हो रहा था। तो ये सब जनरल स्टेटमेंट है, तीनों के तीनों सही हैं। देखिए सम ऑफ द मेन रीज़न अगर बताया जाए कि आखिर मुगल साम्राज्य क्यों पतन में चला गया, मुगल साम्राज्य क्यों खड़ा नहीं हो पाया औरंगजेब के मौत के बाद। गवर्नमेंट ऑफ मुगल या मुगल्स वॉज पर्सनल डेस्पोटिज्म, ये डेस्पोटिज्म का शिकार हो गया। ये जो पर्सनल डेस्पोटिज्म दिया ना, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सो इट्स सक्सेस डिपेंड्स ऑन द करेक्टर ऑफ रेनिंग रूलर, उनके चरित्र पर विचार करना बहुत जरूरी था। लेटर मुगल्स वर्थलेस नेगलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, उसने पूरा तरह से नेगलेक्ट कर दिया प्रशासन को, बस मौज मस्ती में डूब गए, खाए पिए सो गए, रानियों का दो गाना सुन लिए, डांस देख लिए, दैट्स ऑल। यही है मुगल साम्राज्य के अगले कहानी। द अब्सेंस ऑफ डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन, लॉ ऑफ सक्सेशन उनके यहाँ नहीं था, ठीक है। अब्सेंस, देयर ऑलवेज अकर्ड अ वार ऑफ सक्सेशन, हमेशा युद्ध होता था कौन उत्तराधिकारी कौन गद्दी पर बैठेगा। जैसे औरंगजेब ने खुद गद्दी प्राप्त की लड़ाई के पश्चात। दिस वीकेंड द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड फोस्टर्ड पार्टीशनशिप, एक तरह से दगेबाजी को जन्म दिया, ठीक है। और डी जनरेशन ऑफ रूलर्स टू द डी जनरेशन ऑफ द नोबिलिटी, सभ्यता का पतन हो गया, सभ्य लोगों का खत्म हो गया। विथ फैक्टस क्वारल एंड इंट्रिगस कॉस्टिंग, डिटोरिएशन ऑफ आर्मी, आर्मी भी धीरे धीरे बदतर होती चली गई। ऑल्सो प्रूव डिजास्टर फॉर एम्पायर, औरंगजेब डेक्कन पॉलिसी वन द बेस्ट रीजन है, औरंगजेब डेक्कन पॉलिसी एक कंप्लीट फेलर था एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि नासूर बन गया था डेक्कन नीति औरंगजेब के लिए। और मुगल साम्राज्य के डाउनफॉल में इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसने लगभग लगभग भारी संपत्ति का नुकसान पहुँचाया इस औरंगजेब की इस नीति ने। उसके बाद ईरानी लोगों का आक्रमण, दुरानी लोगों का आक्रमण, कहीं ना कहीं मुगल समाज को समाप्त करने में पूरा योगदान दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनी रीजनल स्टेट्स इमर्ज एज ए रिजल्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, विच कैन बी क्लासिफाइड इनटू सक्सेसर ऑफ स्टेट्स, इंडिपेंडेंट किंगडम्स एंड न्यू स्टेट्स। वाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सक्सेसर स्टेट, उत्तराधिकारी राज्य किसे कैसे कहा गया, हैदराबाद और अवध को, ठीक है। तो इसका सही जवाब तो मिल गया होगा मेरे ख्याल से, एक और तीन। जी हाँ, आपको पता होगा मुगल साम्राज्य जैसे जैसे पतन की ओर बढ़ा रहा था, डिक्लाइनिंग और जा रहा था, तो कई क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था। उसको जनरली तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, तीन कैटेगरी में, एक सक्सेसर स्टेट के रूप में। तो सक्सेसर स्टेट में कौन कौन तरह के, दीज वे आर द मुगल प्रोविंसेस, ये मुगल प्रोविंसेस हुआ करते थे, टर्न इनटू द स्टेट्स
आफ्टर ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द एम्पायर दो डिड नॉट चैलेंज, हालांकि इन्होंने कभी भी चैलेंज नहीं किया मुगल सॉवरेनिटी को और उनके प्रति एक तरह से स्वामी भक्ति बनाए रखा। वर्चुअली रूप से इंडिपेंडेंट है वो एंड हेरिडेटरी अथॉरिटी अभी भी उनके पास था। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें कौन कौन है, इसमें अवध है, बंगाल है और हैदराबाद है। तीन स्टेट हैं अवध, बंगाल और हैदराबाद, इनको हम कह सकते हैं सक्सेसर स्टेट। इंडिपेंडेंट किंगडम दोज कम इनटू एग्जिस्टेंस प्राइमरी ड्यू टू द डिस्टेबलाइजेशन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल कंट्रोल डिस्टेबलाइजेशन हो गया उसके बाद ये पैदा हो गए, जैसे कि मैसूर, राजपूत। और तीसरा है न्यू स्टेट्स, दीज वेर सेट अप बाय द रिवेल्स अगेंस्ट द मुगल एम्पायर। तो इन लोगों ने तो मुगल समाज के विरुद्ध में खड़ा हो गए, जैसे कि मराठा, सिख, जाट स्टेट, ये लोग विरोध में खड़ा हो गए। मराठा, सिख और जाट, ये लोग विरोध में खड़ा हो गए थे, इसलिए इनको नया राज्य कहा गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वेयर एक्सपोर्टेड बाय इंडिया टू द अदर कंट्रीज बिफोर द एडवेंट ऑफ यूरोपियन। यूरोपियन के आने से पहले हम लोग कौन कौन सा चीज़ बाहर भेजते थे बताइए? ओपियम, इंडिगो, गोल्ड, टी, पेपर, तो आपको पता होगा। तो क्या क्या हम लोग यूरोपियन के आने से पहले बेचते थे तो आपको पता होना चाहिए। हम लोग ओपियम बेचते थे, इंडिगो बेचते थे, पेपर बेचते थे, 1, 2, 5 तो डेफिनेटली है, लेकिन ये चाय हम लोग एक्सपोर्ट नहीं किया करते थे उस समय यूरोपियन के आने से पहले। तो 4 को छाटिए यहाँ यहाँ, तो 1, 2, 5 सही है। और गोल्ड भी हम लोग नहीं करते थे। देखिए, ऑन द अकाउंट ऑफ बींग्स, चूँकि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट थे हैंडीक्राफ्ट में और एग्रीकल्चर में, तो हैंडीक्राफ्ट और एग्रीकल्चर में हम लोग लगभग लगभग ठीक ठाक थे, मतलब सेल्फ सफिशिएंट थे। इंडिया डिड नॉट इम्पोर्ट फॉरेन गुड्स, हम लोग आयात नहीं करते थे बहुत बड़ी मात्रा में, जबकि इट्स इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वेयर इन गुड डिमांड इन फॉरेन मार्केट। अंग्रेजों के आने से पहले हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, बहुत भयानक डिमांड था इसका विदेश के मार्केट में, इसलिए एक्सपोर्ट बहुत अच्छा होता था। तो एक्सपोर्ट जनरली जो है ना ज़्यादा होता था इम्पोर्ट की तुलना में। ट्रेड वार बैलेंस्ड बाय इम्पोर्ट ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, हालांकि हम लोग सिल्वर और गोल्ड मंगाते थे बाहर से घुसता था, तो लगभग लगभग ट्रेड बैलेंस था। इंडिया वाज नन एज ए सिंक ऑफ प्रीसियस मेटल, सिंक ऑफ प्रीसियस मेटल, तो हम लोग प्रीसियस मेटल हम लोग के यहाँ बहुत कम हुआ करता था। ठीक है, देखिए क्या क्या हम लोग कहाँ कहाँ से मंगाते थे ये ध्यान दीजिएगा। जैसे पर्शियन गल्फ रीजन में पर्ल्स आइटम्स वेयर इम्पोर्ट वेयर, कहाँ कहाँ से इम्पोर्ट होता था? पर्ल्स, रॉ सिल्क, ऊल, ड्राइड फ्रूट्स, अभी भी आया था ड्राइड फ्रूट्स, रोज वाटर। अरब से हम लोग कॉफ़ी, गोल्ड, ड्रग्स, हनी। चाइना से हम लोग टी, शुगर, पोर्सलिन। तिब्बत में गोल्ड, मस्क, उलन। अफ्रीका से आइवरी और ड्रग्स। यूरोपिया से उलन क्लोथ, कॉपर, आयरन, लेड, पेपर। अब हम लोग क्या क्या बात करें, आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं, क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे हम लोग। एक तो कॉटन, दूसरा सिल्क, फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक, इंडिगो, हार्डवेयर, सॉल्ट बीटर, ओपियम, राइस, वीट, शुगर, पेपर, और भी जो मसाले थे बहुत ही अद्भुत, पत्थर और ड्रग्स। इम्पोर्टेंट सेंटर टेक्सटाइल का जो बहुत बड़ा बड़ा सेंटर होता था, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना, सूरत, अहमदाबाद, भरूच, चंदेरी, भरत, बुरहानपुर, जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, लाहौर, मछलीपट्टनम, औरंगाबाद, विशाखापट्टनम, बंगलोर,
कोयम्बटूर, मदुराई, कश्मीर वगैरह, वर्ल्ड सेंटर ऑफ वूलन मैन्युफैक्चर, सोच लीजिए। मतलब पूरी तरह से हम लोग बहुत ही सुखद थे, हमारी स्थिति बहुत ही बेहतर, लेकिन अंग्रेजों ने हमें चूस लिया, खोखला बना दिया हमें। अगला क्वेश्चन है महालवाड़ी सिस्टम से, ये जो महालवाड़ी जमींदारी व्यवस्था जो था उसके बारे में। महालवाड़ी लैंड रेवेन्यू वॉज पेड, तो लैंड रेवेन्यू जो था वो पेड किया जाता था बाय द फार्मर्स डायरेक्टली टू द स्टेट। सोचिए जाए, द ओनरशिप राइट्स वेर द पीसेंट, ओनरशिप पीसेंट के पास था। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय थॉमस मुनरो। तो देखिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है, आई थिंक बी, ओनली एंड ओनली दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि महालवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया था हॉल्ड मैकेंजी के द्वारा 1822 में, और ये गंगेटिक वैली जो था नॉर्थ वेस्ट जो प्रोविंस था, अगर भारत की मानचित्र देखें तो ये जो गंगेटिक वैली है यहाँ पर और यहाँ पर पूरा का पूरा, समझे। इसके अलावा जो सेंट्रल पंजाब था, पूरा विस्तृत सेंट्रल पंजाब, ये वाला इलाका पूरा, वहाँ पर हम लोग इस सिस्टम को देख सकते थे। हालांकि नॉर्थ इंडिया, बिकॉज नॉर्थ इंडिया एंड पंजाब जॉइंट था, जॉइंट विलेज सिस्टम हुआ करता था वहाँ पर, ठीक है, विलेज वेयर कॉमन, सो ब्रिटिश डिसाइडेड टू यूटिलाइज द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर जिसको कहा गया महाल। महाल मतलब होता है गाँव का जो मुखिया होता है ना, उसको तो महाल कहते हैं, इसलिए महालवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पर रेवेन्यू डिटरमाइन किया जाता था बेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ महल। तो एक सेवरल विलेज मिलकर महल बनता था, बहुत सारे गांव को मिला दिया जाए, छोटे छोटे गांव को जो मिला देंगे, ठीक है, तो ये महल बन गया, ये गांव सब मिल गया तो ये महल, ये महल के रूप में काम करेगा और वहीं से रेवेन्यू स्टेट, मतलब एक तरह से होल विलेज कम्युनिटी जॉइंटली एंड सेपरेटली द टैक्सेशन सबको लगाया जाता था, कम्युनिटी ऑफ विलेज एक तरह से कह सकते हैं। विलेज कम्युनिटी हैड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस टैक्स टारगेट्स अमंग द कल्टीवेटर्स। इच इंडिविजुअल फार्मर्स कंट्रीब्यूट हिज शेयर इन द रेवेन्यू, एवरीवन हैज वाज दस लायबल, सब कोई लायबल था प्रत्येक व्यक्ति, बट स्टिल ओनरशिप राइट्स वेयर वेस्टेड। लेकिन अभी भी जो राइट्स की बात करेंगे तो अभी भी जमीन का मालिकाना हक किसान ही था, हैड अ राइट, ठीक है, राइट टू सेल और मोर्टेज देयर प्रॉपर्टीज। तो पूछा जा सकता है कि इंडिविजुअल किसान के पास राइट था, तो राइट बिल्कुल बरकरार था। विलेज कम्युनिटी डिड नॉट नेसेसरी मीन दैट इंटायर विलेज, ठीक है, इसका मतलब मत समझिए कि पूरा का पूरा पॉपुलेशन, नहीं, इट वॉज ए ग्रुप ऑफ एल्डर्स नोटेबल हाई कास्ट, उसी के लोगों को अधिकार दिया गया था। विलेज इनहैबिटेंट्स कॉल्ड लंबरदार, वो लोग कलेक्ट करते थे ब्रिटिश के कहने पर, ब्रिटिश पीरियोडिकली रिवाइज द टैक्सेस रेट, बीच बीच में वो लोग रिवाइज भी करता था टैक्स रेट को। अब अगला प्रश्न है सवोली की संधि से, ट्रीटी ऑफ सवोली बोलता है कि कौन कौन से परिणाम निकले ट्रीटी ऑफ सवोली के बाद, क्या परिणाम आया। सवोली की संधि तो जानते ही होंगे आप, नेपाल विड्रॉ फ्रॉम सिक्किम, क्या नेपाल सिक्किम से बाहर चल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट बेटर फैसिलिटीज फॉर द ट्रेड एंड सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ही अच्छा मतलब बिजनेस ट्रेड चलने लगा, गोरखा जॉइन ब्रिटिश आर्मी इंडियन आर्मी इन लार्ज नंबर, विच आर द करेक्ट आफ्टर द सिगोली संधि। तो आई थिंक यू नो अबाउट दैट कि इसके सारे जवाब जो है सही है, तो लेट्स सी, बात कर लेते हैं इसकी कुछ। देखिए गोरखा जो है ना वेस्टेड द कंट्रोल ऑफ नेपाल फ्रॉम द सक्सेसर रंजीत सिंह, ठीक है, 1760 में उनको गोरखा को एक तरह से कहीं ना कहीं नेपाल पर अधिकार मिल गया था रंजीत सिंह के माध्यम से। दे बिगेन, रंजीत सिंह नहीं, रंजीत मल्ला,
रंजीत मल्ला से मिला था, रंजीत सिंह तो बाद में आएंगे, दे बिगेन टू एक्सपेंड देयर डोमिनेशन बियॉन्ड द माउंटेन्स। अब वो लोग अपना विस्तार जो है माउंटेन से और आगे लेके चले गए। दे फाउंड दैट इट इज इजियर टू एक्सपेंड इन द सदर्न डायरेक्शन एज द नॉर्थ वॉज वेल डिफेंडेड बाई चाइना। 1801 में क्या हुआ, इंग्लिश अनेक्स कर दिया, इंग्लिश अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया, एनेक्स मैंने कब्जा कर लिया गोरखपुर, जो कि बहुत ही मतलब नज़दीक ही था, विच वॉज ग्राउड बाई गोरखा बाउंड्रीज एंड द कंपनी बाउंड्री टूगेदर। अब इससे क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट तो होना ही था, तो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया गोरखा के बीच और अंग्रेजों के बीच। अब लेकिन हुआ क्या कि इससे क्या हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा वार शुरू कर लिया गया। हालांकि वार की समाप्ति हो गई 1813 में, से 23 लॉर्ड हेस्टिंग्स आया था, तो द वार इंड हुआ, तो उसके बाद ट्रीटी ऑफ सगोली हुआ जो कि 1816 में हुआ था, जो कि ब्रिटिश के फेवर में था ये ट्रीटी पूरी तरह से। तो ब्रिटिश लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, एक तो ब्रिटिश को नेपाल मिल गया, दूसरा है कि नेपाल का जो कई डिस्ट्रिक्ट था जैसे कि गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, कुमाऊँ डिस्ट्रिक्ट, वो समाप्त हो गया, सीडेड कर दिया गया और उसको अब मतलब अबंडन कर दिया गया तराई। नेपाल ऑल्सो विड्रू फ्रॉम सिक्किम, और नेपाल सिक्किम से बाहर चले गए। हालांकि थ्री एग्रीमेंट ब्राउट मेनी एडवांटेज टू द ब्रिटिश। इस एग्रीमेंट से क्या फ़ायदा हुआ ब्रिटिश को, ब्रिटिश एम्पायर अब वो हिमालय तक पहुंच गई और अच्छा अच्छा मतलब कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया से ट्रेड करने का उसका मतलब फैसिलेशन हो गया। इसके साथ साथ कई हिल स्टेशन जैसे कि आप शिमला बोलिए, मसूरी बोलिए, नैनीताल बोलिए, सब प्राप्त हो गया उन लोगों को। गोरखा ज्वाइंट हो गया ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर बहुत बड़ी संख्या में। अगला क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग एडॉप्टेड द फॉरेन पॉलिसी प्राउड रिजर्व। तो प्राउड रिजर्व लॉर्ड लिटन नाम का कोई व्यक्ति था, उसी के द्वारा प्राउड रिजर्व, प्राउड रिजर्व याद रखिएगा, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व दैट इज़ बाय लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन जो कि 1780 पता होगा आपको इसके बारे में, लॉर्ड लिटन वायसराय कब बना था, 1876 से 1880 तक ही स्टार्टेड एक नया फॉरेन पॉलिसी लाया, उसका नाम रखा गया प्राउड रिजर्व, जिसका उद्देश्य क्या था, साइंटिफिक फ्रंटियर और सेफ गार्डिंग स्पेयर स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस लाना था उनका उद्देश्य। ही प्रपोज द इफेक्ट द ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन एंड वीकनिंग द अफगान पावर। वो सोचा कि धीरे धीरे सबसे पहले तो हम अफगान के पावर को डिसइंटीग्रेट करेंगे और उसका कमज़ोर कर देंगे। इससे क्या हुआ ना, सेकेंड अफगान वार हो गया 1780 के दरमियान, और उसके बाद एक गंडमक की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ गंडमक। तो ट्रीटी ऑफ गंडमक सेकेंड अफगान वार के बाद हुआ था, उस समय लॉर्ड लिटन था, बस याद रखिएगा प्राउड रिजर्व उसके द्वारा लाया गया था, कुछ बातें लॉर्ड लिटन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, रिंग फेंस पॉलिसी से, देखिए रिंग फॉर्म्स पॉलिसी इसका मतलब उद्देश्य क्या था, एक बफर जोन का निर्माण करना ताकि कंपनी को बचाया जा सके बाहरी झटकों से। हैदराबाद को इस्तेमाल किया गया एक बफर स्टेशन के रूप में एंग्लो मराठा वार में, और दूसरा बात है कि इस पॉलिसी की सहायता से सब्सिडी अलायंसेस जो था उसको एक्सटेंड कर दिया गया रिंग ऑफ फेंस में। जो पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलायंस था वो वास्तव में क्या था, वो रिंग ऑफ फेंस का एक्सटेंशन था क्या, पूछा यही जा रहा है। तो बात तो सही है, एक और तीन सही है। देखिए व्हेन द नॉर्थ लगातार झटके फीलिंग कर रहा था, मराठा उस समय अपने ऊपर थे, व्हेन द नॉर्थ कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ मराठा रिमेन एंड इन साउथ हैदर अली बिकम्स स्काउज या स्कॉरेज टू द ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। उसने कहा कि ब्रिटिश को हम चुनौती देंगे, एक नया पॉलिसी की ज़रूरत पड़ गई ताकि इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सके आसान से, तो उसी का नाम रखा गया था रिंग फेंसिंग पॉलिसी। कहीं ना कहीं मराठा से और हैदर अली से यानी
यानी मैसूर और मराठा दोनों चिंता का कारण था। इस पॉलिसी का सबसे बड़ा अगर रिफ्लेक्टेड कहा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। दिस पॉलिसी वॉज रिफ्लेक्टेड इन वॉरेन हेस्टिंग्स। वार अगेंस्ट मराठा एंड मैसूर, ताकि क्रिएटिंग करना था एक बफर जोन्स का, ताकि अपने आप को बचाया जा सके इन बड़े बड़े साम्राज्यों से। ये लोग ने क्या किया ना, ब्रिटिश इनमी के दुश्मन को अपने में भिड़ा दिया। दिस वॉज द पुट इन टू द प्रैक्टिस इन एंग्लो मैसूर वार व्हेन हैदराबाद वाज बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया गया। उसी तरह अवध का, रोहिलखंड का इस्तेमाल बफर स्टेट के रूप में किया गया मराठा के अगेंस्ट में, कभी मैसूर के अगेंस्ट में तो कभी मराठा के अगेंस्ट में। मैसूर के अगेंस्ट में हैदराबाद का इस्तेमाल किया गया बफर स्टेट के रूप में, उसी तरह मराठा के अगेंस्ट में अवध और रोहिलखंडा का इस्तेमाल किया गया बफर स्टेट के रूप में। वेलेसली जो था ना, जो सब्सिडी अलायंसेस का मतलब एक तरह से प्रमुख दावेदार कहलाता है, उसने क्या किया ना, इसको एक्सटेंशन ऑफ रिंग ऑफ डिफेंस पॉलिसी। तो वेलेसली की जो सब्सिडी अलायंसेस थी वो पहले से चली आ रही रिंग पॉलिसी का एक तरह से एक्सटेंशन था। बफर स्टेट्स एंड द रिंग फेंसिंग प्रोवाइड्स वुड नॉट एनी लॉन्गर रिमेन इन द सेम, रेदर दे वेयर फर्स्ट बाउट अंडर कंट्रोल बाय द ब्रिटिश फ्रॉम देयर पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म वुड कैरी आउट इफेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स केम अंडर द सब्सिडी अलायंसेस, कौन कौन सा सब्सिडी अलायंसेस के तहत प्रवेश कराया गया, सब्सिडी अलायंसेस का कौन कौन हिस्सा बना, तो सभी के सभी, एक दो तीन केवल, नागपुर नहीं, क्योंकि नागपुर को डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट के तहत स्वभाव लिया गया था ना। लेकिन सब्सिडरी अलायंसेस सिस्टम जिसका इस्तेमाल लॉर्ड वेलेसली के द्वारा, जो कि गवर्नर जनरल था 1798 से 1805 के समय, इस सिस्टम के अंदर इंडियन स्टेट के रूरल को बाध्य किया जाता था कि वो अपना परमानेंट स्टेंस, मतलब आर्मी भारत में रखें, ब्रिटिश फोर्स रखें अपने अंदर, अपने टेरिटरी के अंदर, और उनको खर्चा वर्चा सब वही उठाए। हालांकि रूलर को मतलब इस बात से सहमति भरनी पड़ती थी कि पोस्टिंग ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट इन हिज कोर्ट, इंडियन रूलर कुड नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियन इन हिज सर्विस विदाउट द प्रायर कंसल्ट, बिना पूछे किसी भी दूसरे यूरोपियन को आप अपने दरबार में शामिल नहीं कर सकते, अपने आर्मी में भी शामिल नहीं कर सकते। दूसरा बात है कि और वो इसी युद्ध में जा भी नहीं सकते, ही कुड गो टू द वार, ना ही और ना ही किसी दूसरे राजा से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं इस मैटर को लेकर। इसके बदले में क्या होगा, ब्रिटिश जो है उसकी रक्षा करेगी दूसरे राजाओं से, दूसरे शत्रु राजा से। हालांकि इस बात को जान रखिएगा कि इस पॉलिसी में नॉन इंटरफेरेंस, इंटरनल मैटर में उनका दखलअंदाजी नहीं की जाएगी, ये बात मतलब आश्वस्त किया गया था, लेकिन एक तरह से उनकी संप्रभुता पर तो हमला था ही। तो इसके तहत कौन कौन से राज्य को सब्सिडाइज कर लिया गया, तो पहला था हैदराबाद, दूसरा मैसूर 1799 में, तीसरा तंजोर, उसके बाद फिर अवध को, पेशवा, भोंसले और बेरार का, फिर सिंधिया 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी, भरतपुर, सबको खा गया गया। विच ऑफ दी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ट्रीटी ऑफ मंगलोर, तीसरा एंग्लो मैसूर, ट्रीटी ऑफ सालवाई, सेकेंड अंगला मराठा, और ट्रीटी ऑफ गंडमक, अभी तो आपने पढ़ा। तो पहला ये गंडमक की संधि जो थी एंग्लो सिख वार के समय नहीं हुई थी, इसको काटिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें सावे के सवे गलत है, कोई मैच नहीं है। लेकिन ट्रीटी ऑफ मंगलोर जो है ना, वो साइन करी गई थी कब, टीपू सुल्तान के साथ,
और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1784 में। ठीक है, ये जो मंगलोर की संधि थी इसके द्वारा सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध की समाप्ति की गई थी। तो ट्रीटी ऑफ मंगलोर, टीपू सुल्तान 1784, सेकेंड एंग्लो मराठा वार, मैसूर वार समाप्त हुआ। उसके बाद फिर ट्रीटी ऑफ सालवाई आता है जो कि 1782 में हुआ था। इसमें मराठा एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सालवाई की संधि होती है, बहुत लंबा निगोशिएशन चलता है। उसके बाद फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध समाप्त होता है जिसमें वारन हेस्टिंग्स और सिंधिया इसको सिग्नेचर करते हैं, साइन करते हैं दोनों मिलके। ट्रीटी ऑफ गंडमक जो है, ये जो ट्रीटी ऑफ गंडमक है ये साइन किया जाता है दूसरा अफगान वार के समय। अंग्रेज और अफगान जब आपस में लड़ भिड़ते हैं तो 1879 में गंडमक युद्ध होता है, तो गंडमक की संधि होती है। उसके बाद खैबर, जो खैबर ट्राइब्स है वो ब्रिटिश के अंडर आ जाता है, खैबर ट्राइब्स। अगला क्वेश्चन है ट्रीटी ऑफ यांडबू। ट्रीटी ऑफ यांडबू की संधि से पूछा जा रहा है, अभी अभी आपने पढ़ा ट्रीटी ऑफ यांडबू के बारे में। तो ये साइन किया था सेकेंड बर्मा वार के दरमियान, मतलब उसके बाद, और ये जो ट्रीटी है जिसके बाद बर्मा को अनेक्स कर लिया जाता है, बर्मा म्यांमार जिसको कहते थे। तो बर्मा जो है, क्या बर्मा को अनेक्स कर लिया गया उसके बाद यांडबू की संधि कौन सा करेक्ट है? तो इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो पहला बर्मा युद्ध होता है वो 1824 और 25 के दरमियान होता है, फर्स्ट बर्मा वार। और ये बर्मा वार जो है वो वास्तव में कहीं ना कहीं बर्मा में एक्सपेंशन के लिए किया गया था, और उसके बहुत से जो संसाधन थे उसको लूटने के लिए किया गया था, जिसमें कि आपको बता दें कि मणिपुर और जो अराकान इलाका था वो एक तरह से धमकाया गया था असम को, ब्रह्मपुत्र वैली दोनों में फ्रिक्शन चल रहा था लगातार। तो कहीं ना कहीं इस बात को देखते हुए बर्मा वार हो गया, फर्स्ट बर्मा वार वाज जो फाउट था वो बर्मीज एक्सपेंशन के कारण हुआ था। देखिए होता क्या है कि इस बर्मा वार में ब्रिटिश जो है ना अपनी एक्सपेंशनरी पॉलिसी को रंगून तक लेके चले जाते हैं। 1824 में 72 किलोमीटर इसका कैपिटल जो है अपने अंदर समा लेते हैं। हालांकि शांति हो जाती है 1826 में यांडबू की संधि के दरमियान। तो 1826 में यांडबू की संधि होती है जिसमें जो बर्मा की सरकार है कुछ बातों से एग्री हो जाती है। वो बातें क्या क्या हैं कि वो लोग जो है ना 1 करोड़ रुपया वार के क्षतिपूर्ति के रूप में देगी, और जो कोस्टल प्रोविंस है जैसे कि अराकान और टेंसा ताना सेसिरीम वो उनको दे दिया जाएगा। इसके अलावा असम, जैंतिया, चचार ये सब इसमें त्याग दिया जाएगा। मणिपुर को पहचान मिल जाएगी एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में, और एक निगोशिएट किया जाएगा कि कॉमर्शियल ट्रीटी हो ब्रिटेन और आवा के बीच। वाइल पोस्टिंग ए बर्मीज इनवॉय एट कलकत्ता। उसके बाद फिर 1852 में सेकेंड बर्मा युद्ध होता है। परिणाम क्या होता है? ब्रिटिश कॉमर्शियल और जो इंपेरियलिस्ट पॉलिसी है लॉर्ड डलहौजी की वो फैल जाती है पूरा। ब्रिटिश मर्चेंट वेयर बहुत ही उत्साहित थे कि अधिक से अधिक टिम्बर जो अपर बर्मा में मिलता था उसको हड़प ले, बर्मीज मार्केट पे कंट्रोल कर ले। ब्रिटिश ने पेगू पर आक्रमण कर दिया, जीत लिया उसको, और कोस्टल एकमात्र बर्मा का एक कोस्टल एरिया था, प्रोविंस था पेगू, वो छीन लिया गया उनसे। और इसका परिणाम क्या हुआ? इंटेंस गुरिल्ला रेसिस्टेंट हुआ टू ओवरकम बिफोर कंप्लीट ब्रिटिश कंट्रोल लोअर बर्मा
कुड बी एस्टेब्लिश। इससे पहले कि लोअर बर्मा पे ब्रिटिश का पूरा अपना अधिकार होता, उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। तीसरा बर्मा वार हुआ 1885 में, जिसमें बर्मा के जो राजा थे और उनके जो सन थे उनको क्या करना पड़ा, गद्दी पे बैठाना पड़ा। बर्मा के राजा मरने के बाद उसका बेटा बैठा गद्दी में, लेकिन हुआ क्या ना, ये होस्टाइल हो गया ब्रिटिश के खिलाफ। ये खुद ब्रिटिश मर्चेंट एट रंगून एंड लोअर बर्मा हैड बीन कंप्लेनिंग अबाउट द स्टेप मर्डरली ट्रीटमेंट। तो उनको मतलब कहीं ना कहीं सता रहा था कि ये लोग हम लोग के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। तो एक निगोशिएशन चला इनके बीच। फ्रेंच ऑल्सो प्लान टू ले द रेल लाइन मांडले से लेके फ्रेंच टेरिटरी, जो कि फ्रेंच इटली हो, मतलब मांडले जो था फ्रेंच ट्रीटी था, मतलब टेरिटरी था उस समय। व्हेन द ब्रिटिश वेयर इन कॉन्टैक्ट विद फ्रेंच नाइजर, फ्रेंच इन नाइजर, इजिप्ट एंड मेडागास्कर, ए ह्यूमिलिएटिंग फाइन हैड बीन इम्पोज ऑन ब्रिटिश टिम्बर कंपनी बाय थाइबाओ। डफरिन ऑर्डर द इन्वेजन एंड फाइनल एनेक्सेशन हो गया अपर बर्मा पे, और डफरिन के समय पूरा बर्मा चपेट में आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट या रेगुलेशन डिक्लेयर्ड इन्फेंटिसाइड इलीगल एंड इक्विवेलेंट टू मर्डर। ये तो बंगाल रेगुलेशन एक्ट के तहत था। देखिए, जो प्रैक्टिस ऑफ मर्डरिंग फीमेल इन्फेंटिसाइड जो चल रहा था, उसको इमिडिएटली क्या कर दिया गया, मतलब होता है ना कि बच्चे को जन्म लेने के बाद ही मार देना, वो बहुत ही कॉमन था राजपूतों में और बंगाली परिवार में। तो इस बात को कहीं ना कहीं बंगाल रेगुलेशन एक्ट ने 1795 में और 1804 में इसको डिक्लेयर कर दिया इलीगल, और इसको मर्डर के बराबर बताया गया कि अगर आप इन्फेंटिसाइड करते हैं तो पूरी तरह से इलीगल है और ये मर्डर है। उसके बाद 1870 में एक्ट बनाया गया कंपलसरी फॉर द पेरेंट टू रजिस्टर द बर्थ ऑफ ऑल द बेबीज एंड प्रोवाइडेड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ फीमेल चिल्ड्रेन फॉर सम ईयर्स आफ्टर बर्थ, खास करके इन क्षेत्रों में, ताकि इसको रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसर्न द फ्लोइंग स्टेटमेंट, विष्णु शास्त्री पंडित, जे डी बैथून, हरसोन दास मूलजी एंड बी एम मालवारी, विच ऑफ द अबव प्रोमिनेंट फिगर एक्टिव प्रोमोटर्स ऑफ विडो रेमैरिज। इसका सही जवाब है 1 और 3, विष्णु शास्त्री पंडित और करसोन दास मूल जी, ये लोग ने विडो रिमैरिज को प्रमोट किया था। इट वॉज ड्यू टू द एफर्ट ऑफ पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर, जिनके अथक प्रयास के बाद, जिसको प्रिंसिपल कॉलेज, मतलब प्रिंसिपल बनाया था संस्कृत कॉलेज के कलकत्ता का, उन्होंने विडो रिमैरिज एक्ट पास करवाया था 1856 में, तब जाके इसको लीगलाइज किया गया था, मैरिज विडो, मैरिज ऑफ विडो एंड डिक्लेयर द इशू फॉर सच मैरिजेज एज ए लेजिटिमेट। इसमें जगन्नाथ शंकर और भाऊ दाजी वेर अमोंग द एक्टिव प्रोमोटर्स गर्ल्स इन महाराष्ट्र। विष्णु शास्त्री पंडित, उन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी 1850 में। दूसरा प्रोमिनेंट वर्कर था जिसका नाम था करसोन दास मूल जी, उसने सत्यात प्रकाश गुजरात में, गुजराती में 1852 में इस बात को प्रमोट किया कि विडो रिमैरिज होना चाहिए। उसी प्रकार से प्रयास प्रोफेसर डी के करवे के द्वारा किया गया वेस्टर्न इंडिया में, और वीर सलिंगम पंतालू ने भी मद्रास में किया। करवे हिमसेल्फ एक उन्होंने विधवा से विवाह कर लिया था, मतलब ओवरऑल डेडिकेटेड थे ये लोग, अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिए थे अपलिफ्टमेंट ऑफ हिंदू विडोज
एंड बिकम सेक्रेटरी ऑफ द वीडो रीमैरिज एसोसिएशन। डीके करवे की बात हो रही है। पूना में भी कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान रखा गया कि महिलाओं के, विधवा महिलाओं का उत्थान हो, हाई कास्ट एंड इंटरेस्ट इन द लाइफ, प्रोवाइडिंग देम विथ फैसिलिटीज ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। राइट्स या राइट ऑफ विडोज टू दी मैरिज वॉज ऑल्सो एडवोकेट बी एम मालवारी के द्वारा, नर्मदा शंकर के द्वारा, जस्टिस गोविंद महादेव राणेडे के द्वारा, के नटराजन के द्वारा, मतलब कोशिश किया गया विडो रीमैरिज को। जे डी बैथुन वर्क इन द फील्ड ऑफ वुमेन एजुकेशन, लेकिन जे ई डी बैथुन जो है ना वो महिला शिक्षा पे काम किए हैं, और बी एम मालवारी जो है वो चाइल्ड मैरिज को, इशू को ध्यान दिया है। तो याद रखिए, मालवारी का चाइल्ड मैरिज से है, बैथुन का वुमेन एजुकेशन से है, इनको विधवा से मत जोड़ दीजिएगा। अब नेक्स्ट है कि एक तरफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी तरफ उसका फाउंडर है, भारत स्त्री महामंडल चौधरानी, सरला देवी चौधरानी। भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की है? लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन। तो भारत स्त्री महामंडल, लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, आई थिंक इसमें मैच करने बोला है ना? नहीं, करेक्ट द आंसर कोड मैच करिए, केवल एक सही है। देखिए, सरला देवी चौधरानी 1910 में सरला देवी चौधरानी के द्वारा पहली मीटिंग की जाती है भारत स्त्री महामंडल के इलाहाबाद में, जिनको मतलब पहला इंडियन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन गठन करने का मतलब एक तरह से दायित्व दिया गया। मतलब उन्होंने इस बात को ध्यान रखा कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन पहला गठित किया गया है सरला देवी चौधरानी के द्वारा, जिसका नाम रखा गया था भारत स्त्री महामंडल। तो भारत स्त्री महामंडल सरला देवी चौधरानी, मतलब महिलाओं के शिक्षा, उसके मतलब एजुकेशन को लेकर पर्दा जो सिस्टम हुआ करता था उसको समाप्त किया जाए, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन उनका बेहतर किया जाए। सरला देवी का कहना क्या था? मेन वर्किंग फॉर वुमेन, वुमेन सप्लीमेंट लिव्ड अंडर द शेड ऑफ मनु। रामाबाई रानाडे, तो रामाबाई रानाडे का नाम तो सुना होगा, पंडित रामाबाई रानाडे, ये भी एक तरह से इन्होंने लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी, भारत महिला परिषद की, अंडर द पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1904। तो पंडित रामाबाई रानाडे का संबंध है लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, जिसको भारत महिला परिषद कहते हैं। 1925 में नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इंडिया का स्थापना एक नेशनल ब्रांच के रूप में किया गया, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन। तो 1925 में जिसमें मीराबाई टाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाई थी, उन्होंने पर्दा, वही मतलब ओवरऑल पर्दा पड़ता, कास्ट सिस्टम, लेक ऑफ एजुकेशन, जनरल जो मैटर हुआ करता था महिलाओं से जुड़ा हुआ उसको सब कोई उठाता था। यही बात आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट लेडी बैरिस्टर का नाम ताराबाई प्रेमचंद था, पहली बैरिस्टर थी, एक बहुत ही वेल्दी बैंकर थी। एक था सफी तैयब जी, उसी की ये पत्नी थी, ए मेंबर ऑफ मुंबई लीडिंग मुस्लिम फैमिलीज। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लीड टू द अंडरमाइनिंग द कास्ट रिजिडिटी नेस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो कौन कौन से ऐसे कारक थे जिसने एक तरह से कास्ट रिजिडनेस को अंडरमाइन कर दिया? चलिए, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, स्ट्रिंजेंट या स्ट्रिंग्स अमॉन्ग द लोअर कास्ट ड्यू टू द बेटर एजुकेशन फोर्सेस अनलीज्ड द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन।
क्वेश्चन समझे आप पहले, क्वेरीज ऑफ द फैक्टर्स लीड टू दी अंडरमाइन कास्ट रिजिडिनेस ड्यूरिंग द फ्रीडम, मतलब कास्ट जो व्यवस्था थी उसको किसने कमजोर किया, सोशल रिफॉर्म्स डेफिनेटली कमजोर किया होगा, फोर्सफुल अनलीज बाय कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें सारे के सारे आंसर सही हैं मेरे ख्याल से। देखिए फैक्टर्स जिसने कि कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको समाप्त करने में या उसको कम करने में मदद की, पहले तो फोर्सेस जो अनलीज्ड बाय द कॉलोनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन, एक तो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहीं ना कहीं मदद किया, सोशल रिफॉर्मर, नेशनल मूवमेंट, गांधी कैंपेन, स्ट्रिंग अमोंग द लोअर कास्ट ड्यू टू द बेटर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, फ्रीडम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, इसने कास्ट को कमज़ोर किया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अहोम रिवोल्ट, सिंगापुर रेबेलियन और जिलांगसोंग मूवमेंट, विच ऑफ द अबव मूवमेंट टुक प्लेस बिफोर द 1857, एक और दो ही सही है। अहोम मूवमेंट 1828 में हुआ था, जिसमें कि असम में हुआ था, पहला बर्मा वार के बाद हुआ था, क्योंकि इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को धक्का देना कि चुपचाप बाहर निकल यहाँ से, बट आफ्टर द वार इंस्टेड विथड्रॉइंग ब्रिटिश अटेम्प्ट टू इनकॉर्पोरेट अहोम टेरिटोरीज इन द कंपनीज डोमिनेशन, इससे क्या हुआ ना, ब्रिटिश लोगों ने बहुत ही गंदी राजनीति चली और उसने अहोम टेरिटरी जो अहोम टेरिटरीज है उस पर भी अपना अधिकार मतलब डोमिनेंस स्थापित करने की कोशिश की, इससे कहीं ना कहीं रिवोल्यूशन तो होना ही था और हो ही गया 1828 में अंडर द लीडरशिप ऑफ गोमधर कोनवार के नेतृत्व में, अहोम के राजा थे ये और धनंजय बोनगोहिन के साथ। तो ओवरऑल समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं 1828 में हुआ था ये। सिंगपोंगा रिवेलियन, सिंगपोंग्स रिवेलियन 1830 में हुआ था, ये भी असम में ही हुआ था। इमिडिएटली कोल्ड 1830 का इमिडिएटली पुकार था, एक तरह से क्वेल था, रिवोल्ट का प्रकार था ये। और एक तीसरा जो है वो जिलांगसोंग मूवमेंट जो है 1920 में हुआ था और इसको रोंगमेई ट्राइब्स असम, ये भी असम में हुआ था, ब्रिटिश फेलर प्रोटेक्ट टू द कुकी बॉयलेंस 1917-18 के दरमियान।